नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन का 8वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि वो उम्मीद कर रहे थे। टीम के धाकड़ ओपनर जॉनी बेस्टो केवल 10 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। कोलकाता की तरफ से तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आज शानदार तेज गेंदबाजी का नजारा पेश किया। अपने पहले ओवर में ही उन्होंने जॉनी बेस्टो को काफी परेशान किया था। इसके बाद जब वो अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो इसमें जॉनी बेस्टो का विकेट उन्होंने निकाल ही लिया। आपको बता दें, पारी के चौथे ओवर में जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा। जॉनी बेस्टो 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, पारी का चौथा ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और उन्हें कोई मौका नहीं दिया। जॉनी बेस्टो रन बनाने की भरसक कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार नाकाम हो रहे थे और आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने एक शानदार इन स्विंगर गेंद पर जॉनी बेस्टो का काम तमाम कर दिया। जॉनी बेस्टो चारों खाने चित हो गए और उनका ऑफ स्टंप उखड़ गया। आपको बता दें, सनराइजर हैदराबाद का पहला विकेट पारी के चौथे ओवर में गिरा जब टीम का स्कोर केवल 24 रन था। आपको बता दें, पहले मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने कमाल की पारी खेली थी लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।